हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ा है पाइथन के अलावा, जैसे सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो हाँ, आपने देखा होगा कि एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ ही लगता है। बट पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ हम एल्स स्टेटमेंट को कई और जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इफ एल्स के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ, मतलब इफ स्टेटमेंट के साथ। सपोज कि कोई यूजर्स आप कहते हैं इंट इनपुट योर नंबर, सॉरी सॉरी इंटर योर एज, ओके, एंड अप, एंड हम क्या करते हैं इफ एज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ओके, ये प्रोग्राम हम लोग बनाते आ रहे हैं शुरू से ही, एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर आप देखेंगे हम इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, बट हम आगे अभी देखेंगे कि हम इफ के साथ के अलावा और जगहों पर हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे कैसे अभी। नॉट एलिजिबल टू वोट, ओके, एंड देन हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम हम बना के रन करते हैं। अगर तो सपोज ये मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इंटरव्यू एज 17 अगर मैं डालता हूँ तो नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। बट पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कहीं और जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर और वाइल लूप के साथ भी हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एंड वाइल लूप के साथ भी। तो कैसे देखते हैं। सपोज ये आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं फॉर आई इन रेंज, ओके, 1.5 प्रिंट आई, ओके, एंड देन इसके साथ अगर आपको एल्स स्टेटमेंट लगाना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एल्स प्रिंट कर दिए कुछ भी, जो भी आपको प्रिंट करना हो, नो ब्रेक हम लगा देते हैं। ओके, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 1, 2, 3, 4 प्रिंट होगा एंड देन प्रिंट होगा नो ब्रेक, 1, 2, 3, 4 एंड देन नो ब्रेक। ओके, ऐसा क्यों होगा, देखिए सबसे पहले बात तो हम फॉर और वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एंड एल्स स्टेटमेंट तभी काम करता है जब आपका फॉर या वाइल लूप कहीं पर ब्रेक ना हो। ओके, देखिए यहाँ पर कहीं भी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मेरा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो फॉर आई इन रेंज 1.5 में मेरे पास 1, 2, 3, 4 प्रिंट हुआ एंड देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया नो ब्रेक। इसका सिंपल मीनिंग ये है, या एल्स स्टेटमेंट तभी काम करता है जब आपके प्रोग्राम में कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर ना हो। ओके, तो देन एंड अगर मैं यहाँ पे सपोज ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ तो आप देखेंगे ये नो ब्रेक वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो मैंने यहाँ क्या क्या किया, प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, आई 1 प्रिंट होगा एंड देन हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। एंड ब्रेक होने की वजह से ये एस स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, देखिए 1 प्रिंट होगा एंड देन नो ब्रेक प्रिंट होगा। बट अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूँ तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 नो ब्रेक हुआ। एंड इसी में अगर सपोज ये मैं कोई कंडीशन लगा दूँ इफ़ आई इक्वल्स 4 या आई इक्वल्स 3, देन अगर हम ब्रेक करें तो आप देखेंगे मेरे पास 1, 2, 3 प्रिंट हुआ एंड देन हमारा प्रोग्राम ब्रेक हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एल सिस्टम का हम यूज़ फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई लिस्ट है LST नाम का, उसमें आपने कुछ एलिमेंट्स रखे 1, 3, 5, 7, 9। ओके, एंड देन आप चेक करना चाहते हैं कि इस लिस्ट में कोई इवन नंबर है या नहीं। ओके, सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं फॉर आई इन LST, ओके, ऐसा ही हम लोग करते हैं। एंड यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ या कोई और मेथड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट वीडियो में बात करके आए हैं कि पाइथॉनिकनेस क्या होता है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब आगे के सारे प्रोग्राम्स वैसा ही बनाएंगे ताकि आपको पाइथन थोड़ी अच्छे से समझ में आए, बेसिक्स और एक्सप्लोर कर सके आप इसको डीपली। ओके, तो आप क्या करेंगे इफ़ आई मॉड बाई 2 इक्वल्स 0, तो आप क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ओके, एल्स हाँ, तो एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट इवन नंबर फाउंड। ओके, आपको क्या करना है, इवन नंबर फाउंड प्रिंट करना है। अगर इसमें कोई इवन नंबर होगा तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, इन इवन नंबर फाउंड होगा। एल्स हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं नो इवन नंबर फाउंड, नो इवन नंबर फाउंड। ओके, सपोज कीजिए आप कोई एक लिस्ट बना रहे हैं ना, आप चाहते हो कि उसमें कोई भी इवन नंबर ना हो। ओके, इसलिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है, अगर कहीं पे इवन नंबर आए तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। ओके, तो देखते हैं, तो देखिए, ओके, तो इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हमारा एल्स स्टेटमेंट जो हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है नो इवन नंबर फाउंड। बट अगर यहाँ पे कहीं मैं इवन नंबर एक एंटर कर दूँ, देखिए 5 के बाद मैंने 2 एंटर कर दिया, तो हमारा ये एल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। इवन नंबर फाउंड एल्स स्टेटमेंट हमारा काम नहीं किया क्योंकि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ओके,
तो ध्यान रखिए फॉर या वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका प्रोग्राम कहीं पे ब्रेक ना हो के ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ओके और किसी वजह से नहीं सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ओके। सिमिलरली मैं अगर आपको एक वाइल लूप का एग्जांपल दूँ तो सपोज ये वाइल आई इक्वल टू जीरो वाइल आई लेस देन 10 ओके। आप क्या करना चाहते हैं प्रिंट आई करना चाहते हैं ओके ऐसा ही हम प्रोग्राम बनाते हैं एंड देन आई प्लस इक्वल टू 1 करते हैं यानी अपडेट कर दिया। एंड आप और कुछ करना चाहते हैं इफ आई इक्वल 7 हो जाए तो हम प्रोग्राम ब्रेक हो जाए ओके। आई लेस देन 10 की हम क्या कर सकते हैं ट्रू कर सकते हैं ताकि एक इन्फिनाइट वाइल लूप बन जाए ताकि आपको और समझ में आए। एल्स सॉरी इन्फिनाइट वाइल लूप नहीं करते हैं एक्चुअली मेरा ये सबलाइम टेक्स्ट क्रैश हो जाता है इन्फिनाइट वाइल लूप में ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पीसी का रैम बहुत कम है तो इसलिए मैं ट्रू इन्फिनाइट वाइल लूप नहीं बनाता हूँ सिंपली कोई एक कंडीशन लेके बनाता हूँ कि वाइल आई लेस देन 10 ओके ग्रेटर देन कर देंगे तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एल्स प्रिंट कर दें नो ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड ओके एंड इस प्रोग्राम को रन करूँ मैं अगर तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ 7 नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया यहाँ पे एंड देन हमारा एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं हुआ ओके। तो इस तरीके से हम एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करते हैं जब तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा। अगर ब्रेक मिलता है तो एल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेगा अगर नहीं मिलता है तो काम करेगा। सेम मैं यहाँ से देखिए ब्रेक वाले लाइन ये दोनों कंडीशन में कमेंट कर देता हूँ एंड देन हमारा देखिए क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम फॉर और वाइल के साथ भी एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देन एक और जगहों पे हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं जब मैंने ट्राई एक्सेप्ट फाइनली इन सब की बात की थी ओके यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली वीडियोज़ में ओके। तो एक एग्जाम्पल से मैं इसको बता के एंड करता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं यूज़र से एंड इनपुट एंटर योर एज ओके। आप यूजर से उसका एज पूछना चाहते हैं ओके। ट्राई कीजिए इसको ट्राई ब्लॉक में लगा देते हैं ओके। ट्राई एज हमने इनपुट कराया यहाँ पे एंड देन हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर यूजर कोई भी उल्टी सीधी वैल्यू डाल देता है तो हमें एक्सेप्ट लगा देते हैं एक प्रिंट इनवैलिड डेटा एंटर्ड ओके। एंड देन एल्स स्टेटमेंट हम ट्राई एक्सेप्ट में कब लगाते हैं अगर आपके प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेप्ट यानी प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता तभी एल्स स्टेटमेंट काम करता है ओके। जैसे फॉर या वाइल में था जब तक हमारे प्रोग्राम में ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होता तब तक हमारा एल्स काम करेगा ओके। एंड देन एक्सेप्ट सिमिलरली इस केस में अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती है यानी एक्सेप्शन नहीं आती है तभी आपका एल्स जो स्टेटमेंट है वो काम करेगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ कुछ भी एज अपडेटेड सक्सेसफुली सपोज आपने एक फॉर्म बनाया है एंड उसमें आप यूजर का इनपुट लेकर फॉर्म को अपडेट करना चाहते हो ओके। तो इनवैलिड डेटा एंटर्ड एंड अदरवाइज क्या आएगा एज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर मैं एंटर नेम एज डालूं इसमें कोई यूजर सपोज ये गलती से अपना नाम डाल देता है सपोज कीजिए मैंने प्रज्वल डाल दिया तो इनवैलिड डेटा एंटर्ड आपने देखा एक्सेप्शन आई इसलिए एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ ओके। बट सेम प्रोग्राम अगर मैं रन करूं एंड कोई सही इनपुट डाल दूं सपोज ये 23 डाल देता हूं तो हमारा एज अपडेटेड सक्सेसफुली प्रिंट होगा ओके। तो ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स कब रन करता है अगर आपके प्रोग्राम में कहीं एक्सेप्शन नहीं आती है तभी हमारा एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन करता है ओके। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही इसलिए एज अपडेटेड सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है यानी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ओके। तो इस तरीके से हम इफ के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर और वाई के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं एंड देन ट्राई एक्सेप्ट के साथ भी एल्स यूज़ कर सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पहले तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर इस चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।